ये दोस्तों अपने भिलाई का ग्लोब चौक एमजे कॉलेज है अपने भिलाई का। दोस्तों अगर आप यहाँ से राइट जाते हो दुर्ग ये गुरुद्वारा अपने नेहरूगढ़ का। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ मनी, फिर से आप सभी का नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को मैं पूरा भिलाई सिटी दिखाने वाला हूँ, कि दोस्तों बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि भाई भिलाई सिटी दिखाओ करके। तो फाइनली दोस्तों आज मैं आप लोगों को पूरा भिलाई सिटी दिखाने वाला हूँ, जो कि दोस्तों मेन मेन जगह आप लोगों को दिखाऊंगा आज की वीडियो में। हो सके तो पूरा कवर करेंगे अपन भिलाई सिटी। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों, काफ़ी मजा आना आप लोगों को। तो चलो दोस्तों फटाक से निकलते हैं भिलाई सिटी। तो गाइस सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अपने सुपेला से। तो दोस्तों ये अपने भिलाई का सुपेला मार्केट है, देख सकते हो सामने जो रोड दिख रहा है दोस्तों ये जी रोड है। जस्ट आपको घड़ी चौक दिखेगा आगे, तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, अभी टाइम की बात करूँ तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी उतने अच्छे से दुकान वकान नहीं खुले हैं। देख सकते हो काफ़ी बड़ा बड़ा दुकान है दोस्तों, ये सुपेला का दुकान है। और सामने दोस्तों अगर आप यहाँ से राइट जाते हो दुर्ग नेहरूनगर राजनगर के लिए जा सकते हो। तो अपन पहले दोस्तों यहाँ से पावर हाउस चलते हैं, आप लोगों को पावर हाउस भी दिखा देता हूँ, फिर अपन सेक्टर फिर सूर्य मॉल तरफ भी जाएंगे तो उधर का भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ से मेरे को लेफ्ट लेना है, अब लेफ्ट लेते सीधा जाना है दोस्तों तब पावर। तो गाइस ये अपना सुपेला दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल है, देख सकते हो है ना, लाल बहादुर शास्त्री। और ये दोस्तों अपना पूरा जी रोड है जो कि दोस्तों पूरा रायपुर तक जाता है, और देख सकते हो सुमित बाजार है। और ये दोस्तों पूरा बैंक वैंक है इस तरफ है ना, देख सकते हो जो आपको कांच वाँच का दिख रहा है बैंक है दोस्तों। और सामने दोस्तों अपना सुपेला का जी सेल है दोस्तों, देख सकते हो जो हरे कलर का आपको कांच दिख रहा है ये वाला दोस्तों जी सेल है, चौहानी स्टेट है दोस्तों ये। और मोरे टाकी जी भी इसके जस्ट पीछे तरफ। लगभग दोस्तों अपन पावर हाउस पहुंच गए, देख सकते हो। तो दोस्तों अभी मेरे को पावर हाउस में कुछ काम है, पहले वो काम को निपटा लेता हूं मैं, फिर आप लोगों को आते समय दोस्तों पूरा एक पावर हाउस दिखाऊंगा। देख सकते हो ये रेलवे स्टेशन है दोस्तों यहां पास, और पूरा ओवरब्रिज का काम चल रहा है अभी, देख सकते हो ये पावर हाउस का ओवरब्रिज है दोस्तों, जो कि बहुत ही पुराना ओवरब्रिज है ना। तो चलो दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ी देर में मिलता हूँ। तो फाइनली दोस्तों अब मैं आप लोगों को अच्छे से पूरा पावर हाउस दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये अपने पावर हाउस का पीछे तरफ का एरिया देख सकते हो, तो इधर का भी एरिया आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर दोस्तों मेन मार्केट के अंदर भी लेके चलूंगा आप लोगों को। तो देख सकते हो इधर तरफ भी दोस्तों पूरा काफ़ी सारे शॉप है, देख सकते हो इधर तरफ पूरा क्लिनिक क्लिनिक है दोस्तों है ना, देख सकते हो पूरा क्लिनिक है इस तरफ सामने आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अपन इधर चलते हैं, और इधर तरफ दोस्तों काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल है ना, होटल वोटल भी है, देख सकते हो पूरा शॉप है दोस्तों इधर भी है ना। तो देख सकते हो आप लोग ये दोस्तों पावर हाउस का जो पीछे का एरिया होता है वो वाला है, और जस्ट इसके आगे तरफ मार्केट है ना। तो देख सकते हो आप लोग साई गंगा प्लाईवुड भी है इधर दोस्तों वुड, और ये दोस्तों साइकिल स्टोर है देख सकते हो, यहाँ नया नया पूरा साइकिल मिलता है, देख सकते हो नया साइकिल स्टोर है। तो देख सकते हो दोस्तों अपन मेन रोड में आ गए, और यहाँ से दोस्तों अपन सीधा चलते हैं। सीधा जाते हो दोस्तों आप लोग तो सेक्टर के निकल जाओगे, जो आप लोगों को ओवरब्रिज दिखा जो मैं आप लोगों को आते हुए दिखाया था, और दोस्तों इधर तरफ मार्केट है। तो चलिए अपन सीधा चलते हैं, अभी ओवरब्रिज के ऊपर नहीं चलेंगे दोस्तों को अपन, मैं आप लोगों को सुबह तरफ से लेकर चलूंगा सेक्टर की ओर है ना। तो पहले अपन पावर हाउस पूरा दिखला देता हूँ आप लोगों को नीचे से। तो देख सकते हो ये पूरा दोस्तों मेन रोड है, इधर तरफ भी काफ़ी बड़े बड़े शॉप है, एक से एक आप लोगों को शॉप देखने को मिल जाएंगे, दुकान देखने को मिल जाएंगे एक से एक दोस्तों। पावर हाउस का एकदम फेमस ये जगह है, देख सकते हो यहाँ पास आपको बस हाउस भी मिल जाएगा दोस्तों, कहीं भी आप लोगों को जाना है तो बस भी खड़े रहता है टाइम टाइम पर, बस मिलते हैं इसी के नीचे। तो देख सकते हो भीड़ यहाँ पास काफ़ी रहता है दोस्तों है ना। तो चलिए आगे चलते हैं पहले, अब देख सकते दोस्तों काफ़ी भीड़ हो गया है ना, देख सकते हो काफ़ी कुछ ठेले लग गए हैं, और दोस्तों मेन मार्केट है दोस्तों पान उसका, देख सकते हो ये पूरा फल मार्केट है, यहाँ से अगर अंदर जाते हो तो पूरा फल ही फल है ना। तो जस्ट दोस्तों और आगे वाला एक रास्ता है, वहाँ से अपन घुसेंगे जहाँ से मेन मार्केट स्टार्ट होता है। और ये दोस्तों अपना रेलवे स्टेशन पावर हाउस का है ना, जो ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना दिया हूँ, अगर नहीं देखे तो जाके देख लेना पावर हाउस का रेलवे स्टेशन, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। ये है पूरा पावर हाउस का मेन मार्केट, जो कि दोस्तों काफ़ी बड़ा मार्केट है अपने भिलाई का है ना। यहाँ पर दोस्तों आपको हर एक सामान ताबड़तोड़ टाइप से मिल जाएगा, हर एक सामान जो भी आपको चाहिए सारा कुछ आपको देख सकते हो मिल जाएगा। एक से एक शॉप है दोस्तों, बहुत ही बड़े बड़े शॉप है, ज्वेलर कपड़े लत्ते एक से एक है ना, बड़े बड़े शोरूम भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इस तरफ से, देख सकते हो आप लोग। और दोस्तों दिन भर यहाँ लो रास्ते में एकदम ताबड़तोड़ भीड़ रहता है, और रात के समय भी भीड़ रहता है, दिन में तो खासकर एकदम ताबड़तोड़ भीड़ रहता ही है, देख सकते हो आप लोग
है ना, ये चौक है दोस्तों एक टाइप। इधर घड़ी वड़ी के पूरा शॉप है दोस्तों, देख सकते हो काफ़ी सारे चप्पल जूते की दुकान भी है, घड़ी के शॉप है, बर्तन वर्तन की दुकान है देख सकते हो, है ना, पूरा काफ़ी बड़ा मार्केट है दोस्तों। तो अपन और आगे नहीं जाएंगे, यहाँ से अपन इधर ही चलते हैं, अब यहाँ से अपन सीधा जाएंगे। और दोस्तों यौलीगंज में पूरा थोक मार्केट है, अगर आपको कुछ कुछ भी चीज़ थोक में लेना है, चावल का बोरी, तेल कटिन है, तो सारा इधर आपको मिल जाएगा देख सकते हो, है ना। तो फाइनली दोस्तों अब पहुँच गए अपन गांधी चौक दोस्तों, ये जलेबी जलेबी चौक का दुकान है देख सकते हो, जो कि काफ़ी फेमस जलेबी मिलते हैं यहाँ पास, जो कि पूरे अपने पावर हाउस में फेमस है और अपने भिलाई में फेमस। अब दोस्तों अपन आ गए हैं सुपेले का चूड़ी लाइन, जो कि आप लोगों को मैं आते समय नहीं दिखाया था, तो अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं, देख सकते हो दोस्तों अपना सुपेला का चूड़ी लाइन दोस्तों, चूड़ी लाइन वाला एरिया है, यहाँ पर हार्डवेयर लाइन है देख सकते हो, है ना, ये पूरा हार्डवेयर है, यहाँ पर आपको हार्डवेयर का जितना भी सामान दोस्तों सारा कुछ आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। तो देख सकते हो आप लोग इधर तरफ भी एक से एक दोस्तों पूरा हार्डवेयर का सामान रहता है, और दोस्तों ये पूरा चूड़ी लाइन भी कहलाता है, आगे आप लोगों को चूड़ी लाइन भी दिख जाएगा। और यहाँ पर भी दोस्तों शाम के समय पूरा मार्केट लगता है देख सकते हो, सब्जी वब्जी का, ये सुपेला का है ना, तो लच्छी मार्केट तो लगता ही है, और यहाँ पास भी एक मार्केट लगता है। अब दोस्तों यहाँ से चलते हैं अपन सेक्टर, दोस्तों अपन सेक्टर जाने के लिए मैं ये वाला रास्ता यूज़ कर रहा हूँ, महाराणा जो चौक है एक तो महाराणा प्रताप करके है, उतना आइडिया नहीं मेरे को, है ना। तो ये अपन अंडर ब्रिज होते हुए सेक्टर जाएंगे, है ना, सेक्टर 6, फिर आगे सेक्टर 7, आगे सेक्टर 10, ऐसे होते हुए आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा। देख सकते हो पूरा पानी भरा हुआ है ना, देख सकते हो वो ब्रिज में पानी गिरते रहते, इसलिए पूरा भर गिरा था, पूरा चिक्खल हो गया इधर तरफ पानी वानी। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो सेक्टर का माहौल ही कुछ अलग ही रहता है ना, बाकी इधर के मुताबिक पूरे चारों तरफ पेड़ ही पेड़, एकदम ठंडे ठंडे हवा चलते रहते हैं देख सकते हो आप लोग बीच में। और ये दोस्तों चौक है, ये सेक्टर 6 का यहाँ पर से ग्राउंड है देख सकते हो। तो चले चलते आगे, और दोस्तों ये सेक्टर जैसे अपन सेक्टर 6 जाते हैं तो वाला नाला दिखता है देख सकते हो, काफ़ी बड़ा नाला है, और आगे जिम है तो देख सकते हो, और ये दोस्तों बैंक है देख सकते हो सेक्टर 6। तो फाइनली गाइस अपन सेक्टर 6 का ई मार्केट पहुंच गए देख सकते हो, ये साईं बाबा मंदिर वाला रोड है ना, तो उसके ऊपर भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा, हो सके तो साईं बाबा मंदिर के ऊपर। तो देख सकते हो ये पूरा सेक्टर 6 का ई मार्केट है दोस्तों, जो कि बहुत ही फेमस मार्केट है सेक्टर 6 का। तो गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है आई लव भिलाई करके, तो चलिए पहले सीधा चलते हैं अपन। अब दोस्तों मैं आप लोगों को सिविक सेंटर लेके चलूंगा, सिविक सेंटर वाला चौक है, तो देख सकते हो अपन सिविक सेंटर में एंटर हो चुके हैं। और ये सिविक सेंटर का चौपाटी दोस्तों, अभी तो फिलहाल चौपाटी शायद नहीं खुलता होगा, अभी कोरोना वोरोना चल ही रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत दुकान शॉप अब खुलते होंगे। और ये दोस्तों नन्हे टी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है दोस्तों नन्हे टी वाला, है ना, देख सकते हो ये। और ये हरिराज का होटल एक तो, और इधर ये चौक है दोस्तों बहुत ही फेमस है, ऐसे पूरा सिविक सेंटर का शॉप है एक से एक बड़े बड़े देख सकते हो। तो अपन अंदर तरफ भी चलेंगे, देख सकते हो वाला चौक एक तरफ दिखता है दोस्तों, रथ वाला गार्डन है, गार्डन के बीचों बीच वो रथ बना हुआ है, जो कि मस्त दिखता है ना, देख सकते हो आप लोग। अब दोस्तों मैं आप लोगों को पूरा ये दिखा देता हूँ, इधर तरफ दोस्तों पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप लोग देख सकते हो JEE ITI मेन्स ये सब का जो तैयारी करते हैं, नीट हो गया ये सब का तैयारी, आप लोग को इधर कोचिंग इसको मिल जाएगा देख सकते हो। अब दोस्तों आप लोगों को मैं मिराज सिनेमा दिखाने वाला हूँ देख सकते हो, स्पाइडर मैन लगा हुआ है ना, आप लोग देख सकते हो ये दोस्तों मिराज सिनेमा अपने भिलाई का। अब दोस्तों आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ सेक्टर 10 तरफ है ना, तो ये अपन सिविक सेंटर से निकल गए हैं, जस्ट सीधे जाना अपने को। तो ये दोस्तों अपने भिलाई का ग्लोब चौक, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है दोस्तों ये, और एक एक तरफ दिखता है दोस्तों अपना ग्लोब चौक देख सकते हो आप लोग, इसको एक तरफा वही बना है, तो यहाँ से आप लोगों को सीधा जाना है। तो गाइस ये है राजेश सुपर बाजार सेक्टर 10 का मेन मार्केट के अंदर अपन आ गए हैं, और आप लोग देख सकते हो ये दोस्तों सेक्टर 10 का मेन मार्केट है ना, इधर तरफ भी एक से एक शॉप दोस्तों, काफ़ी अमीर लोग इधर रहते हैं। और ये दोस्तों इंडियन कॉफ़ी हाउस है सेक्टर 10 का देख सकते हो, और ये नया साइकिल स्टोर है देख सकते हो, साइकिल स्टोर भी है ना, तो साइकिल वाइकल भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो फटाफट आप लोगों को दिखा देता हूँ सेक्टर 10 का मार्केट एरिया दोस्तों ये, है ना, देख सकते हो पूरा। और
अब दोस्तों वहाँ से मैं आ गया हूँ। अब आप लोगों को मैं सूर्य मॉल तरफ लेके चलता हूँ। तो दोस्तों ये है पूरा जुनवानी रोड अपना, तो यहीं से अपन होते हुए जाएंगे अपन सूर्य मॉल। तो आप लोगों को सूर्य मॉल भी दिखा देता हूँ, है ना। तो देख सकते हो इधर तरफ भी पेट्रोल वेट्रोल पम्प खुल गया दोस्तों, है ना। तो देख सकते हो आप लोगों को एक बिल्डिंग दिख रहा हो दोस्तों एकदम सामने, आप लोग देख सकते हो। तो वही दोस्तों अपना सूर्य मॉल। तो इधर का भी आप लोगों को एरिया दिखा देता हूँ किस तरीके से है। तो देख सकते हो ये दोस्तों MG कॉलेज है अपने भिलाई का, देख सकते हो आप लोग। अपन सूर्य मॉल के पास पहुंच गए दोस्तों, सूर्य मॉल है ना। तो देख लीजिए इधर का भी काफ़ी अच्छा रहता है। अब दोस्तों वहां से मैं निकाल के आ जाऊँ। अब दोस्तों आप लोगों को मैं कोंका दिखा देता हूं थोड़ा सा। ये दोस्तों पूरे कोंका के अंदर अपन पहुंच गए कोंका का अवंती बाई चौक, देख सकते हो। ये पेट्रोल पंप है अपना कोंका, सीधा जाते तो आप लोग रुमटा कॉलेज हिंदू IT स्कूल के लिए पहुंचोगे। तो दोस्तों इधर अगर जाते हो वाले रोड में तो इधर चलते पहले अपन। ये दोस्तों अपना जेवरा सीट्स वाला रोड है ना। अब दोस्तों वहां से मैं आ गया हूं। अब मैं आप लोगों को नेहरू नगर दिखा देता हूँ थोड़ा से। तो ये पूरा नेहरू नगर का गार्डन है, देख सकते हो आप लोग। और सामने आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों ग्रैंड हिल्टन, जो कि अपने नेहरू नगर का बहुत ही फेमस होटल है। और ये दोस्तों नेहरू नगर का फ्लाईओवर है ना, देख सकते हो ओवर ब्रिज है ना। चलिए आगे चलते हैं और आप लोगों को यहाँ का गुरुद्वारा भी दिखाऊंगा, जो कि आगे है गुरुद्वारा। तो देख सकते हो आप लोग ये दोस्तों ग्रैंड हिल्टन काफ़ी बड़ा है होटल दोस्तों, फेमस होटल। और ये दोस्तों आप लोग देख सकते हो यह गुरुद्वारा अपने नेहरू नगर का, जो कि काफ़ी मस्त दिखता है दोस्तों, व्हाइट कलर में पेंट हुआ, देख सकते हो आप लोग।